नमस्कार दोस्तों, मैं ओम यादव, स्वागत करता हूँ आपका यादव मार्बल में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज बुधवार है और बुधवार को हम दिखाते हैं फिट किया हुआ मार्बल। आफ्टर फिटिंग कैसा लगता है, फिटिंग होने के बाद उसकी फिनिशिंग, उसकी पॉलिशिंग या उसका लुक कैसा आता है, ताकि आप अपना माइंड मेकअप कर सकें कि मुझे ये लगाना है या नहीं लगाना, या मेरे घर में कैसा लगेगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं आपको बहुत सारे वीडियोज़, हर प्रोडक्ट की नॉलेज। क्योंकि यादव मार्बल में कम से कम 100 से ज़्यादा वीडियो हैं जो आपको हर प्रोडक्ट की नॉलेज देते हैं, तो आप सब्सक्राइब करके बाकी चीज़ें देख सकते हैं। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं, ये है हमारे कस्टमर्स का, जिन्होंने अपने पूरे ही घर में डूंगरी मार्बल सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला, वाइट मार्बल में सबसे पसंद किया जाने वाला और सबसे ज़्यादा बिकने वाले आइटम में से एक है मोरवर्ड और डूंगरी। तो डूंगरी के बारे में हम आपको बताएंगे। डूंगरी मतलब बेस जो है पूरा प्लेन वाइट और उसमें हल्की सी लाइनिंग आती है, उसी को डूंगरी बोलते हैं। डूंगरी के लॉट जो आप साइडों में देख रहे हैं, ये डूंगरी के प्रॉपर लॉट है। फिटिंग के बाद कैसा लगता है हम दिखाएंगे पूरा घर, मतलब घर की, चाहे आपकी स्टेयर्स हो, चाहे आपका फ्लोर हो या आपकी गैलरी, आपके रूम, सभी में डूंगरी कैसा लगता है। ये एक घर है जहाँ पर सभी में डूंगरी लगा है। दोस्तों, हम बात करेंगे स्टेयर्स के बारे में। ये है स्टेयर्स, डूंगरी देखिए सर, उसमें ये लाइनिंग जो है, ये लाइनिंग से डूंगरी का लुक नज़र आता है। इसके अंदर थोड़ी यहाँ लाइट लाइनिंग है, बहुत अच्छा लॉट लिया है इन्होंने। ये लाइट है, हल्की सी डार्क है और बीच में जो ये जो डायरेक्ट लाइन है, ये भले आपको एक जब लॉट में अच्छी ना लगे, लेकिन जब आप इसको लगाएंगे, फिटिंग करेंगे, तो आप देखिए पूरा एक झरना। और जो फिटिंग का भी बहुत खूबसूरत नज़ारा है कि बिल्कुल वॉल टू वॉल लाइन दी गई है और यहाँ से सेकेंड लाइन शुरू की गई है। ये आप देखिए पूरा, यहाँ नीचे से आके दिखाना चाहूँगा, जब आप इसको देखेंगे बिल्कुल लाइन टू लाइन मिला हुआ है, बिल्कुल सेम जगह लाइन आई है हर स्टेयर्स में। इसी से इस खूबसूरती है, बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों, बहुत शानदार। आप देखिए पूरी लाइनिंग जो, अगर आप ऊपर से देखेंगे इसको, बढ़िया चीज़ नजर आएगी। और ये का ये सेगमेंट नीचे है और इसको पार्ट करने के लिए ये एक ब्लैक की पट्टी दे दी गई है। आप दो चीज़ को पार्ट करेंगे तो इससे लुक भी आ गया और पार्टीशन भी हो गया। तो ये एक बढ़िया चीज़ इन्होंने फिट की है कि डूंगरी मार्बल की स्टेयर्स कैसे नज़र आती है, बहुत सुंदर लगती है दोस्तों, बहुत बढ़िया। इसमें लाइनिंग कम ज़्यादा हो सकती है, लाइनिंग आगे पीछे हो सकती है, लेकिन लाइनिंग रहेगी जगह, दोनों जगह बहुत बढ़िया, अच्छी चीज़, सुंदर चीज़, बहुत सुंदर तरीके से फिट की गई है। इससे अच्छा सुंदर मार्बल दी गई है। और दोस्तों, सबसे बढ़िया जो बात है, यह आप थोड़ा ध्यान रखें कि ये जो स्केटिंग होती है, ये स्केटिंग है स्टेयर्स की, इसमें जो इसका वेस्टेज होता है वो इसमें काम आता है। और इसको आप लगाएंगे तो इसका पानी वगैरह भी जो है दीवार में नहीं जाएगा, वेस्टेज काम आ जाएगा और अच्छा भी लगेगा इसका। ये स्केटिंग आप देखेंगे हर जगह पूरी चलेगी। आप पहले 6 इंची और 9 इंची लगा करती थी, आजकल 3 इंची और 4 इंची की लगती है, तो आप ये भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये स्टेयर्स की बात थी, अब हम आपको फ्लोरिंग पे लेके चलेंगे। तो दोस्तों, जैसे डाइनिंग एरिया कह लो या इसका लिविंग एरिया कह लो, और जैसे ड्राइंग रूम भी आपका यही है। ये अभी थोड़ा काम अभी कुछ बाकी है इसमें, क्योंकि बिल्कुल नया घर बना है और नए घर के लिए मैं आपको लेके आया हूँ। बिल्कुल वो जो डूंगरी पैटर्न था उसी पैटर्न में स्लैब लॉट थोड़ा चेंज है दोस्तों, लेकिन लगभग क्वालिटी वही है। आप देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन पूरी बराबर यहाँ जहाँ से शुरू हुई है, पूरी लाइनिंग बराबर चल रही है। वो फिगर अगर कहीं है तो वो बराबर चल रहा है। यही इस डूंगरी की खास बात है कि लंबे जो पटिए होते हैं या उनकी लंबी, आप समझे 100 पीस है तो 100 पीस में बराबर ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये फिगर आप जो देख रहे हैं, ये फिगर बना दोस्तों, दो पीस है। और ये यहाँ से इसका जॉइंट जो बिल्कुल आपको पास से नज़र आएगा, आप दूर से देखेंगे तो जॉइंट नज़र आएगा नहीं, ये 1 2 3 4 को मिला के बनाया गया है, लेकिन लग ऐसा रहा है बिल्कुल ऐसे जॉइनिंग। अब हाथ भी लगाएंगे, क्योंकि फिटिंग के बाद जब घिसाई होती है, रगड़ाई होती है, उसका ये फ़ायदा है कि आप जब हाथ लगाते हैं तो कुछ भी आपको नज़र नहीं आता है, बिल्कुल एक जान रहता है, ऐसा लगता है चादर बिछाई गई है पूरी प्रॉपर। बहुत आराम से देखिए। और ये एक अच्छी चीज़ जो मैं आपको बताऊं, ये दोस्तों साउथ ब्लैक की पट्टी दी गई है, साउथ ब्लैक जो ग्रेनाइट है उसकी पट्टी दी गई है। वो इसलिए दी गई है कि इनका वेस्टेज इसमें काम आए और इसकी सुंदरता कॉन्ट्रास्ट बढ़े। जब आप ब्लैक लगा लेते हैं तो वाइट का उठाव आता है, ये सबसे जरूरी चीज़ है कि आप कैसा लगाएं। आप इसमें रेड भी लगा सकते हैं दोस्तों, लेकिन ब्लैक का जो उठाव आएगा
सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट वो वाइट में ब्लैक का ही आएगा, और ब्लैक के ही जो दासे होते हैं जिनको बोलते हैं डोर फ्रेम जो बोलते हैं, ये भी ब्लैक के ही लगते हैं। ये भी साउथ ब्लैक का लगाया है इन्होंने, बहुत सुंदर है, सभी जगह लगाया, आप कहीं भी देखेंगे इनको तो ये सब जगह ब्लैक के लगाए हैं। ये आप छोटा भी लगा सकते हैं, ये आप चाहें तो इसके अंदर ये पट्टी की जगह एक पट्टी यहाँ भी दे सकते हैं, और बीच के अंदर वाइट का दे सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। तो ये नज़ारा है कि अगर पूरा ब्लैक लगाया हो तो ये पट्टी इससे भी छोटी आती है, ये 1.5 इंच की पट्टी है, आप 1.25 इंच की पट्टी इधर और इधर देखिए, बीच में ब्लैक सेम ये डूंगी पैटर्न का मार्बल दे सकते हैं, उससे भी अच्छा लगेगा। ये हो गया आप दोस्तों डूंगरी का, जो अगर रेट देखें तो वो रेट है कम से कम भी, अगर अच्छा डूंगरी आप लेंगे तो 100 रुपये से स्टार्ट होगा, और डूंगरी पैटर्न जो आएगा वो लगभग 50 रुपये से स्टार्ट होगा। अब अगर आपको अपना कॉस्ट कटिंग करनी है तो फिर आप क्या सोचेंगे कि अरे हर जगह इस रेट का मार्बल लगाना पॉसिबल नहीं है, तो एक ये जो तरीका है वो कट साइज का आता है, कट साइज का डूंगरी आता है, उसमें कम रेट में आपको सेम डूंगरी पैटर्न मिलेगा। हो सकता है कुछ फिगर में 19-20 हो, लेकिन दोस्तों फिटिंग के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखेंगे आज जैसे गैलरी इन्होंने ली है, इस गैलरी में या इनके जो रूम है उन सब में इन्होंने जो कट साइज इसका कट साइज है वो लगाया है, सुंदर भी लग रहा है, कॉस्ट कटिंग भी हुआ है, और बहुत अच्छी चीज़ फिटिंग में आई है दोस्तों, ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है। या जब एक तरह से पर्दा लग जाएगा तो ये सेपरेट हो जाएगा, या आप कांच का या एल्यूमिनियम का फ्रेमिंग भी लगा सकते हैं, उससे ये चीज़ सेपरेट हो गया और ये आपका बैठक जो है सेपरेट हो गया। पूरी रूम वगैरह में सब में इन्होंने ये कट साइज ही लगाया है, बढ़िया चीज़ लग रही है। तो दोस्तों 3 पैटर्न मैंने आपको बताए स्टेयर्स में, आपकी कट साइज के लिए, कॉस्ट कटिंग के लिए, रूम या गैलरी साइड की है वहाँ लगा सकते हैं, एक बाहर की गैलरी में भी कट साइज लगाया, ये आप देखेंगे बाहर की गैलरी में पूरा कट साइज लगाया इन्होंने, इस कट साइज से कि बाहर की गैलरी में इतना कुछ काम है नहीं और ज़्यादा लुकिंग देनी नहीं है, लेकिन डूंगरी लगाना है ये इनका चॉइस था। तो अब डूंगरी के अंदर कट कटिंग कैसे की जाए, इसकी कट साइज ये आपका मेन हॉल का, लॉबी का, और उसके अलावा स्टेयर्स का, तीनों जगह इन्होंने डूंगरी लगाया है। एक समझदारी भरा काम था, जहाँ जो रेट का माल है वहाँ लगाया, सुंदर भी लगा और सस्ता भी पड़ा। तो ये एक तरीका है पूरे माल मकान में अगर आप एक सेम चीज़ लगाना चाहें, ये आप किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, चाहे ग्रेनाइट हो, चाहे आपका कटनी हो, या और मोरबर ले रहे हैं तो स्लैब ले सकते हैं, बड़ी जगह कट साइज छोटी जगह, तो मिला मिलू के कुल मिला के कम पैसे में बढ़िया काम हो सकता है। यादव मार्बल की टीम हमेशा इस चीज़ से तैयार है, आप अपना नक्शा, आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो हमें भेजिए, कहाँ क्या लग सकता है, क्या बेस्ट लगेगा, ताकि आपका पैसा भी कम लगे और मकान अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, और कुल मिला के क्वालिटी और वेराइटी दोनों बराबर मेंटेन हो, उसके लिए कोशिश है। तो इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपके पास कोई घर में वीडियो बना है और आप चाहते हैं कि मैं उसको दिखाऊं, या उसमें कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में सजेशन लेना चाहते हैं, तो भी हमें ज़रूर मेरे व्हाट्सअप नंबर लिखें, उस पर भेजें, ताकि मैं उसका सजेशन कर सकूं और आपके द्वारा जो भी अच्छी चीज़ बनाई है मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। तो आप ज़रूर भेजें दोस्तों। इसी के साथ ही विदा लेता हूं, ओम यादव यादव से, जय हिंद जय भारत।